चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है बुनियादी आवश्यकता सूचकांक BNI। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में इस सूचकांक की चर्चा की गई है। आर्थिक समीक्षा को पेश करते हुए इस पर बल दिया गया कि बुनियादी सुविधाएं अर्थात आवास की सुविधा, जल और स्वच्छता की सुविधा, विद्युत और स्वच्छ कुकिंग ईंधन की सुविधा कितनी मात्रा में लोगों तक पहुंच बनाए हुए हैं और इसी चीज़ को मापने के लिए यह इंडेक्स लाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में इस सूचकांक की रूपरेखा की बात की गई है और उसमें बताया गया है कि इसे अखिल भारतीय स्तर और उसमें भी ग्रामीण और शहरी स्तर की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक आखिर है क्या, कैसे तैयार किया गया है? इसके लिए पांच आयामों, जिन पांच आयामों में शामिल है जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाएं, इन पर आधारित 26 संकेतकों का मूल्यांकन करके इसे तैयार किया गया है। BNI को भारत में पेयजल की सुविधा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवासीय स्थिति पर 69th और 76th NSO अर्थात नेशनल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके बनाया गया है और इसमें सभी राज्यों को शामिल भी किया गया है। सभी राज्यों के जो आंकड़े लिए गए हैं तुलना करने के लिए 2012 और 2018 के आंकड़ों की तुलना करते हुए यह देखा गया है कि 2012 की तुलना में 2018 में लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं में क्या मूल अंतर है और कितना किस स्तर तक सबके पास बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए देखते हैं इस इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स को हम दो मानचित्रों के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला चित्र जो कि 2012 को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो चित्र है वो 2018 को रिप्रेजेंट करता है। इस मानचित्र के अंदर हमें तीन रंग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाल रंग दिखाई दे रहा है, फिर पीला रंग दिखाई दे रहा है और हरा रंग बहुत ही कम मात्रा में कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। संभवतः ये गोवा है। इन रंगों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच किस मात्रा में है। इसमें जो हरा रंग है वो ये दर्शाता है कि बुनियादी सुविधाओं का स्तर उच्च है अर्थात असमानताएँ बहुत कम है। पीला रंग जो है वो ये दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच मध्यम स्तर की है और लाल रंग ये दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बहुत ही कम है। इसके लिए स्तर भी डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि जिन स्टेट्स का स्तर 0.70 से ज़्यादा है वो उच्च स्तर में शामिल किए गए हैं, जिन स्टेट का स्तर 0.50 और 0.70 के बीच में है उनको मध्यम स्तर में रखा गया है और जिन स्टेट का स्तर 0.50 से नीचे है उनको निम्न स्तर पर रखा गया है। अब इसी की तुलना में अगर हम 2018 का इंडेक्स देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लाल रंग बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सबसे ज़्यादा पीला रंग दिखाई दे रहा है और जो हरा रंग है उसकी मात्रा बढ़ गई है। यानी कि कुछ राज्य जैसे कि उत्तर पूर्व के दो राज्य, इधर केरला, यहाँ पे गोवा तो पहले ही शामिल था, गुजरात और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये हिमाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं जो हरे रंग में है और वहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2012 की तुलना में 2018 में लोगों की बुनियादी सुविधाओं के स्तर में सुधार हुआ है और उच्च स्तर के राज्य भी दिखाई देने लगे हैं, मध्यम स्तर में आने वाले राज्य भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने लगे हैं और लाल स्तर बहुत ही कम हो गया है, लाल रंग बहुत ही कम हो गया है। तो ये दर्शाता है कि 6 साल के अंदर बुनियादी सुविधाओं का स्तर बहुत अधिक मात्रा में सुधार की स्थिति में है।
मानचित्र की सहायता से हमने देखा कि 2012 की तुलना में 2018 में बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन बुनियादी सुविधाओं में सुधार किन कारणों से हुए हैं और आगे अगर हमें और सुधार करने हैं या असमानताओं को कम करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी योजनाएं प्रारंभ करी थी, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला योजना। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच को बढ़ा दिया और लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि अंतर्राज्यीय स्तर पर असमानताओं में कमी आई, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और समृद्ध परिवारों की तुलना में गरीब परिवारों के अंदर जो है आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच में असमानताएं कम देखी गई। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो घर, अच्छा वातावरण, उसके साथ ही स्वच्छ पानी, पर्यावरण, इन सब सुविधाओं को पहले समृद्ध परिवारों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन ये सभी सुविधाएं अब गरीब परिवारों में भी देखे जाने लगी, या फिर ये सारी सुविधाएं शहरी क्षेत्रों के लोगों को मिला करती थी, अब ये सारी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी मिलने लगी। तो इस असमानता के स्तर में काफ़ी कमी आई है। अब अगर विभिन्न आयामों की बात करें तो जैसे अगर हम पेयजल पहुंच की बात करते हैं तो 2012 की तुलना में 2018 में स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। और इसी तरह अगर हम स्वच्छता के प्रति पहुंच में सुधार की बात करें तो इसमें भी 2012 की तुलना में 18 में काफ़ी सुधार आया है। स्वच्छता के प्रति पहुंच में क्षेत्रीय असमानता में कमी आई है और 2012 में स्वच्छता के मामले में कम पहुंच रखने वाले राज्यों में पहुंच में सुधार हुआ है। और इसी तरह अगर हम न्यूनतम आय समूह के मामले की बात करें तो उनके पास भी सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच के स्तर में वृद्धि हुई है। अगर हम आवास की बात करें तो इस सूचकांक में इसमें भी सुधार दिखाई देता है। 2012 की तुलना में 2018 में न्यूनतम आय समूह के लोग भी राज्य के द्वारा प्रयुक्त कराए गए लाभों के साथ घर तक पहुंच में सक्षम हो गए हैं और इसमें भी सुधार देखा गया है और यहाँ भी असमानताओं में कमी आई है। इसी तरह से असम ग्रामीण, उड़ीसा और असम के शहरी क्षेत्रों की बात करें और 2012 की तुलना में 2018 में अगर देखें तो इन राज्यों में माइक्रो पर्यावरण में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। समग्र रूप से अगर बात की जाए तो न्यूनतम आय समूह के मामले में विशेष रूप से सुधार दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा में रसोई, पानी की टंकी के साथ रसोई की उपलब्धता, आवास में बेहतर प्रकाश, वायु व्यवस्था, शौचालय तक पहुंच, बिजली उपयोग और भोजन के लिए ईंधन के इस्तेमाल आदि सभी सुविधाओं में कम असमानताएं देखी जा रही हैं और इन सभी स्तरों में सुधार दिखाई दे रहा है। जहां तक हम बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और सभी के समझने के लिए ज़रूरी भी है कि जहां अच्छी बुनियादी सुविधाएं होती हैं वहां स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर भी अच्छा होता है। इस सूचकांक में मूलभूत आवश्यकताओं और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम तक पहुँच के मामले में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। इस सूचकांक में कहा गया है कि बाल मृत्यु दर, मृत जन्मे बच्चों और कुपोषण की दर में कमी के साथ बाल जीवन की दर में सुधार दिखाई देता है और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच भी अच्छी दिखाई देती है। इसके अलावा विद्यालयों में शौचालय की सुविधा और विद्युतीकरण की सुविधा के कारण बच्चों के रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं, तो मूल रूप से इन सभी चीज़ों में सुधार दिखाई देता है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प ए बजट से, विकल्प बी आर्थिक समीक्षा से, विकल्प सी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से और विकल्प डी
इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए अब देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी, अर्थात ना तो एक ना ही दो, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।